नमस्कार प्यारे साथियों, सबसे पहले वाणी की देवी माँ सरस्वती को वंदन करते हुए आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे साथियों कि तैयारी के दौरान आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपका खुद पर नियंत्रण कितना ज़रूरी है तैयारी के लिए। आज इन्हीं छोटे छोटे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए छोटे छोटे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे अगर आप इनको फॉलो करते हो। तो साथियों, सबसे पहले तो बात करूँगी मैं कि आपको तैयारी के लिए पहले तो आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। एग्ज़ाम आप सभी दो, कोई भी एग्ज़ाम आ रही है उसे मिलता जुलता पाठ्यक्रम है तो आप सभी देकर देखो क्योंकि आपका मूल्यांकन होता रहेगा। लेकिन आपको लक्ष्य सिर्फ एक लेकर चलना है और वो लक्ष्य आपकी आंखों में होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको अपना लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा हो। जब भी आप रास्ते से भटको तभी आपका लक्ष्य आपको सामने दिखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बात आपके दिन में सारे दिन चलनी चाहिए आपके मस्तिष्क में, तब जाकर आप सही रास्ते पर बढ़ोगे। इसके अलावा बात करूँगी साथियों, सबसे बड़ी जो एक आपके पास आजकल सबसे महत्वपूर्ण भी हो रहा है मोबाइल है, तो मोबाइल साथियों आपकी तैयारी में साधक भी है और बाधक भी है। अगर आप इसका सही प्रयोग करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा साधक है। जैसे मेरे लिए अगर मैं किसी एक को श्रेय देना चाहूँ अपनी सफलता का तो वो मेरा मोबाइल ही है क्योंकि मैंने इसका बहुत उपयोग किया था। और बाधक ऐसे है साथियों, अगर आप इस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए बाधक है। इसके अलावा साथियों, आपको अपने मोबाइल का सीमित प्रयोग करते हुए और इससे दूर रहने की आदत डालनी होगी। सबसे पहला काम तो आपकी दिनचर्या का यही होना चाहिए कि आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखो। सबसे पहले आपकी दिनचर्या, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हमें दिनचर्या बताओ कि आप कैसे क्या तैयारी करती थी, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से दूरी बनाकर रखनी होगी, उसको फ्लाइट मोड पर रखो। दिन में अगर आप नहीं रख पाते हो तो आप धीरे धीरे अभ्यास करो। एक बार आप एक घंटे के लिए अपना मोबाइल अलग छोड़ दो, धीरे धीरे दो घंटे के लिए, फिर दिन में 5 से 7 घंटा आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करने से देश दुनिया से पीछे रह जाएंगे या आपको कोई खबर नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। अगर आप मोबाइल से कुछ दिनों के लिए दूरी बनाकर रखते हैं तो आप दुनिया से पीछे नहीं, आप दुनिया से बहुत आगे होंगे क्योंकि जब आप सफल होंगे तो सभी लोग आपको देखना सुनना पसंद करेंगे। जब तक आप असफल हैं तब तक चाहे आप कितने ही बढ़िया स्टेटस लगा लो, चाहे कितनी ही बढ़िया पिक्चर डाल दो, आप पिक डाल दो, हाँ जो आपके 2-4 फ्रेंड सर्किल है आपका वो ज़रूर आपको लाइक कर सकता है, आपको बढ़ोतरी दे सकता है। लेकिन इसके अलावा साथियों, वास्तव में स्टेटस लगाने का और वास्तव में कुछ भी बोलने का और मज़ा तभी है जब आप सफल हो, तभी आपको लोग सुनना पसंद करते हैं। और आप देखते हो जब भी किसी परीक्षा का परिणाम आता है तो बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिलते हैं जो कभी आपने सोशल मीडिया पर ना ही तो सुने थे और ना ही देखे थे। और बहुत सारे लोग जो आप सोशल मीडिया पर पहले देखते हो कि ये इतनी रैंक लेकर आ रहा है टेस्ट सीरीज में या ये वो है तैयारी कर रहा है, तो वो चेहरे जब परिणाम आता है तो बहुत सारे चेहरे गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि तैयारी करने वाला विद्यार्थी अपने आप को सोशल मीडिया पर अपने आप का प्रचार नहीं करता है। तैयारी करते समय आपको हमेशा छुपा रुस्तम रहना चाहिए, कभी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। बस एकांत में अपने लक्ष्य के प्रति कठिन मेहनत करते रहिए, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप दिखाकर भी पढ़ रहे हो एक प्रकार से कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड सर्किल में डिंगी आँक रहे हो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ आपको बहुत सारे लोग सारी प्रकार के लोग मिलेंगे, नकारात्मक भी मिलेंगे। और ये बात ध्यान रखना साथियों, नकारात्मक लोग ज़्यादा मिलते हैं भटकाने के लिए। अभी आप तैयारी की बताओगे किसी को तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं नकारात्मक, जो ना तो खुद तैयारी करते हैं ना किसी और को करने देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखिए। जैसे आप तैयारी की बताते भी हो तो ऐसे लोग कहते हैं अभी कौन सी विज्ञप्ति आने वाली है, अभी तो चुनाव आ रहे हैं, मोदी फिर से आ जाएगी बीजेपी की सरकार, केंद्र में राज्य में बीजेपी की सरकार है ही, ये तो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, धीरे धीरे सरकारी स्कूलें बंद कर देगी, कहाँ तैयारी कर रहे हो तुम, ऐसी मतलब बहुत सारी बातें आपको भटकाने के लिए मिलेंगी साथियों। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन में एक साल में कुछ नहीं होता है, परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। और जब तक परिवर्तन होगा कुछ बड़ा तब तक आप एक सीट ले चुके होंगे अगर आप वास्तव में दिल लगाकर मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं। तो नकारात्मक
पहला तो आपकी दिनचर्या का हिस्सा यही होना चाहिए कि आपको अपने मोबाइल से दूर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। आप जब पढ़ो तभी मोबाइल का यूज़ करो, इधर उधर की बातें करने में, जैसे बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो सारा सारा दिन फ़ोन पर बातें करते हुए बिता देते हैं। जैसे लड़के हैं ये कोई शॉर्ट वगैरह देखने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं मनोरंजन करने में, लड़कियाँ हैं वो बातें करने में ज़्यादा टाइम बिताती हैं फ़ोन पर। जैसे अपनी मम्मी से मिला लिया, किसी फ्रेंड से बातें कर ली तो पता ही नहीं चलता घंटा घंटा, तो दो घंटा क्या बातें कर ली, और बातें क्या, बस यही बातें घरेलू, मैंने वो काम किया, मैंने ये काम किया, इन बातों का कोई सार तो है नहीं दोस्तों कि आप कोई सार निकालने बैठो। सार इस समय आपका यही है कि आप इन सब चीज़ों से दूर होकर और अपनी तैयारी पर ध्यान दो, अगर आपको वास्तव में सफलता चाहिए तो। तो मैं तो पहले अपनी दिनचर्या का हिस्सा ये बनाओ साथियों, अपने मोबाइल से दूरी बनाओ। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आदत डालो, एक दिन एक घंटा, दो घंटा, एक सप्ताह में आप अपने मोबाइल से आठ से दस घंटा दूर रहने लग जाओगे। और वो आठ से दस घंटा आप अपनी किताबों को देखो दोगे तो देख लेना आप, एक हफ्ते में आपके अंदर इतना गजब का आत्मविश्वास भी आएगा और इतना अच्छा सुधार आएगा कि आपको लगेगा हाँ वास्तव में बात तो ठीक थी। तो पहला काम तो आपको अपनी दिनचर्या का यही करना है। जैसे सुबह अगर आप लेट भी उठते हो तो, या फिर कुछ बहनें जो हाउसवाइफ हैं घर का काम करती हैं सुबह जल्दी उठती हैं, तो वो कोई भी हो सुबह उठते ही अपने मोबाइल को ना लेकर, आप अगर घरेलू काम करते हैं तो वो कीजिए। अगर कोई तैयारी कर रहा है सुबह सुबह उठते ही पढ़ पाते हो तो उठते ही अपनी किताबें उठाइए, जो सबसे हार्ड टॉपिक लगता है आपको, कठिन लगता है, उसको आप सबसे पहले पढ़िए। और दिन का जो भाग है उसको आप दो से तीन भागों में अलग अलग बांट लीजिए, कम से कम छः सात घंटा तो आपको तैयारी को देने ही है। और दिन में आप दो सब्जेक्ट को या ज़्यादा से ज़्यादा तीन सब्जेक्ट को साथ लेकर चलें, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप छः घंटा भी मानकर चलो आप कम से कम छः घंटा भी पढ़ रहे हैं तो चार घंटा अपने विषय को दीजिए, दो घंटे जीके को दीजिए, उसमें से दो घंटे में से आप एक घंटा एक सब्जेक्ट ले लो और एक घंटे के लिए एक ले लो। अब कोई घंटा फिक्स तो है नहीं साथियों कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और आपने ठीक एक घंटा होते ही वो छोड़ दिया। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाए उस समय तक आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना है। अगर आप समझ में आया ही नहीं वो टॉपिक और आप पढ़कर आगे बढ़ गए तो ऐसे तैयारी नहीं होगी। हाँ, जब आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तब आपका मोबाइल आपके लिए वरदान है, उसमें सर्च कीजिए यूट्यूब पर वो टॉपिक, आप उस पर देखिए, उसके बाद दोबारा पढ़िए उसको। लेकिन जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता उसको छोड़कर आगे ना बढ़ें, उसको समझने के बाद ही आगे बढ़ें। एक बात और साथियों, पढ़ने के साथ साथ मनन करना भी ज़रूरी है। जैसे आपने एक पेज पढ़ लिया पूरा, उसके बाद आप दो तीन मिनट आँखें बंद करके और याद करने की कोशिश करो कि आपने इस पेज में क्या पढ़ा है, क्या लिखा है। जैसे तो आप चार पांच पेज पढ़ते जाते हो और ये आपको पता ही नहीं रहता क्योंकि आपका दिमाग कहीं और चलता रहता है, तो अपने दिमाग को एकाग्र करने की कोशिश करें। और ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अभ्यास करोगे तो 10 दिन 15 दिन महीने भर में तो ये स्थिर रहने ही लग जाएगा। तो आप जब भी पढ़ें अपने पढ़े हुए का मनन ज़रूर करें, आत्म मूल्यांकन ज़रूर करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, वास्तव में आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो चीज़ें तो ये हो गई साथियों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से दूरी बनानी होगी। दूरी का मतलब यही है आपका, आपको उसका दुष्प्रयोग नहीं करना है, सदुपयोग कीजिए आप उसका सारे दिन। चाहे मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो सारे दिन मोबाइल अपने काम करते हुए अपने पास रखती थी, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ाई की वीडियो सुनती थी। बात करने मोबाइल पर बात करने में मैं आज भी बहुत कम विश्वास करती हूँ। क्या हुआ, दो चार दिन से कोई मेरी मम्मी से बातें कर ली या फिर घर पर बातें कर ली, रोज़ाना तो मैं कहीं फ़ोन करती ही नहीं। आज भी चाहे मुझे अब मैं सफल हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देखती रहती हूँ कोई मेरे जो मेरे काम के हों वैसे, या फिर मैं किताबों में टाइम देती हूँ। आज भी मैं बच्चों को पढ़ाना होता है तो वो कुछ पढ़ लेती हूँ, लेकिन इधर उधर की बातें करने में मैं अब भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मोबाइल पर बातें करना मुझे ज़्यादा पसंद है ही नहीं। वो तो साथियों अपनी अपनी पसंद की बात होती है, मैं ये नहीं कहती कि सभी मोबाइल पर बातें ना करें, करो लेकिन उतनी ही करो जितनी ज़रूरी हो। फ्रेंड सर्किल मेरा भी है, दो चार फ्रेंड्स हैं मेरी भी, लेकिन उनसे 10 से 15 दिन में बात होती है, बस 15-20 मिनट। रोज़ाना मैं किसी से बातें नहीं करती हूँ। तो आपको रोज़ाना बातें ना करके अपने मोबाइल से दूरी बनानी होगी, उसको आप फ्लाइट मोड पर रखें। बार बार ये चेक ना करें कि क्या नया मैसेज आया है क्या नहीं आया, आप एक दिन कोशिश करके देख लीजिए। कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा कि आप मोबाइल से दूर रहोगे और पता नहीं देश दुनिया में क्या हो जाएगा। जब तक आप सफल नहीं हो, जब तक आप अपने आप को साबित नहीं कर देते हो, आपका कोई महत्व नहीं है, चाहे कुछ भी होता रहे देश में, दुनिया में, समाज में, क्योंकि यहाँ लोग सफल लोगों को ही पूछते हैं। बेशक आपको चढ़ाने के लिए कुछ आपका फ्रेंड सर्किल ऐसा होगा जो आपको चढ़ाए रखता होगा, आपकी प्रशंसा कर रहा होगा कि हाँ आप ऐसे कर रहे हो, आपकी गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहा होगा, लेकिन वो सही नहीं है, वो कुछ दिनों का ही है। ये समय है आपका तैयारी करने का, ये निकल जाएगा, उसके बाद ना वो फ्रेंड सर्किल काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा साथियों, क्योंकि आपका
खुद से बड़ा कोई हितैषी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद दूसरी बात, जैसे मैंने कहा आपको, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, किसी को ना बताओ कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। जो लोग आपको ऐसा लगता है, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो, आपके नकारात्मक लोग, लेकिन आप उनसे दूरी बना कर रखें, सीमित बातें ही करें उनसे। अगर वो ऐसी बातें करते हैं कुछ नकारात्मक कि आप तो तैयारी कर रहे हो, इतने दिन से नहीं लगोगे, लोग इतनी इतनी तैयारी कर रहे हैं, तुम इतनी तैयारी में कैसे लग जाओगे, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना कर रखें। तीसरी चीज़ है साथियों, लक्ष्य आपकी नज़रों में रहे हमेशा। जब भी आप जैसे भूलवश आप पढ़ लिए, पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप किताबों में लगे रहोगे, मोबाइल में पढ़ते रहोगे, थकता भी है दिमाग हमारा। तो उस टाइम के लिए आप अपने पसंदीदा कोई गाने सुन लो। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल लेकर बैठ गए, उस समय आपने कुछ देखना शुरू किया, आपको पता ही नहीं चला घंटे दो घंटे कब बीत गई, तो ऐसे दिमाग को आराम नहीं मिलता। ऐसे तो दिमाग ज़्यादा डाइवर्ट हो रहता है, पता नहीं आप कैसे कैसे चीज़ें देखते हो, उसमें किस किस प्रकार की 30-30 सेकंड की 15-15 सेकंड की रील्स आती हैं, उसी हिसाब से आपके दिमाग के इमोशंस चेंज होते रहते हैं, फिर उसको स्थिर होने में बहुत टाइम लगता है। तो आप अपने पसंदीदा कोई गाने सुन लो, या फिर 2-4 मिनट कोई आपका ऐसा साथी है, देसी है वास्तव में, उससे बातें कर लो, जिससे बातें करके आपको सुकून मिले। और तीसरी, आप लक्ष्य आपकी नज़रों में हमेशा रहे, लेकिन जब भी आप भटकने लगो कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, तो आपके दिमाग, आपका दिमाग आपको ये वार्निंग देता रहे कि क्या कर रहा है, तो कहाँ बातें कर रहा है, तेरा लक्ष्य क्या है, तुझे क्या प्राप्त करना है, ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। चौथी बात है साथियों, रात को सोते समय अपने टॉपिक निर्धारित करके सोएं। हमको कम से कम आप 10 बजे के आसपास सो जाएं, और सुबह आप अगर उठ सकते हैं तो 4 बजे उठ जाएं। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दिन के 4 घंटे और सुबह के 2 घंटे बराबर होते हैं, तो शाम को जल्दी सोने की कोशिश करें 10 बजे तक, उसके बाद सुबह 4 बजे तो उठ उठ जाएँ, क्योंकि साथियों इस समय आपके लिए 6 घंटे की नींद बहुत महत्व काफ़ी है। और वैसे आप 10 घंटे सो लो तो वो भी कम लगेंगे, क्योंकि 8 घंटे की नींद तो छोटे बच्चे के लिए बताई जाती है, और हम अब छोटे बच्चे नहीं रहे, ना ही हम किशोरावस्था रहे, हम युवा, आप में से कुछ युवा होंगे, कुछ तो युवा से भी आगे बढ़ रहे हैं, निपुण अवस्था की ओर जा रहे हैं, तो आप के लिए 6 घंटे की नींद बहुत है। और वैसे हमारा शरीर है, जैसे हम इसको ढाल लेते हैं उसी अनुसार ये ढल भी जाता है। 5 घंटे की नींद भी अगर आप वास्तव में सही सुकून के लेते हो, दिन भर आप मेहनत करते हो, वास्तव में जी जान लगा कर पढ़ रहे हो, तो आपको 5 घंटे की नींद भी इतनी सुकून की आएगी, वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे सोएं, जैसे 5 घंटा आप रात में सोएं तो दिन में आध घंटा आप 1 घंटा दिन में रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, दिन भी बड़े होने लगे हैं, तो आप दिन में कुछ रेस्ट कर सकते हो। तो साथियों ये 2-4 बातें हैं, रात को सोते समय अपना टॉपिक निर्धारित करके सोएं कि कल मुझे ये पढ़ना है, एक रजिस्टर, रफ रजिस्टर हमेशा अपने पास रखे सोते समय, उसमें आपने दिन भर में क्या पढ़ा उसका एक बार 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके मनन जरूर करें सोते समय कि आज मैंने दिन में क्या पढ़ा। अगर आपने वास्तव में पढ़ा है कुछ, तो ज़रूर आपका मन इस बात की गवाही देगा, और आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हाँ आज के दिन मैंने बहुत अच्छा किया है। आप कम से कम एक दिन ज़रूर करके देखें ये जो प्रयोग है, ये मोबाइल से दूरी बना के, नकारात्मक लोगों से दूरी बना के, और वास्तव में अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर, आप एक दिन, ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक एक दिन का अभ्यास कीजिए, एक दिन आप ऐसा करके देखिए, आप सोते समय आपको अपने आप, आपका मन ये कहेगा कि हाँ वास्तव में अब तो सही रास्ते पर है। तो शाम को सोते समय रजिस्टर अपने पास रखें, दिन भर आपने क्या किया उसका थोड़ा सा 5 से 10 मिनट आँखें बंद करके मनन करें, उसके बाद अगले दिन का टाइम टेबल आप बना कर रख दें, 2 से 3 टॉपिक जो भी पढ़ना चाहें आप लिख के छोड़ दें कि कल मुझे ये टॉपिक करने हैं, और साथ साथ जो भी पढ़े वो अपना मूल्यांकन जरूर करते रहें। जैसे दिन में भी आपने 1-2 घंटा एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने मुगल काल ही पढ़ लिया, तो मुगल काल के आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सी, जैसे मुगल काल का स्थापत्य कला है, फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ तो स्थापत्य कला में आपने कहाँ क्या पढ़ा है, दिन भर में आप एक बार आँखें बंद करके जब भी पढ़ते हो 1-2 घंटा उस टॉपिक को, उसके बाद एक बार आँखें बंद करके मनन करें कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, कहाँ कौन सी इमारत बनी है, किसने बनवाई है, ये सारी बातें आप ऐसे साथ साथ अपना खुद का मूल्यांकन जरूर करें साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, आप इनको फॉलो करके ज़रूर देखें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और आप सफलता के राह पर आगे बढ़ेंगे साथियों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें से यही है कि आपका आत्म नियंत्रण यानी खुद पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, और आपका आत्म नियंत्रण होगा तभी आपकी लाइफ, आपका दिन है जो अनुशासन में बीतेगा, और अनुशासन में रहोगे तो अपने आप साथियों आपकी दिनचर्या सही हो जाएगी, और आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य के करीब जाते जाओगे, आपको मंजिल पास नजर आती जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।